हेलो वेलकम बैक व्यूअर्स। इससे पहले भी हमने सेफ और अनसेफ डेज पर वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। मैं उसके लिए एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगा, आप प्लेलिस्ट पे भी वो देख सकते हैं। आज का ये जो क्वेश्चन है वो आपका है कि पीरियड्स के ठीक बाद, यानी जिन दिनों में ब्लीडिंग होती है 4 या 5 दिन तक, उनके ठीक बाद अगर हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो क्या प्रेगनेंसी होगी या नहीं, जिसमें हमने कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है उस स्थिति में। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे सवाल पहले भी रहे हैं जिसमें आपने पूछा है कि कौन से सेफ डेज होते हैं, कौन से अनसेफ डेज होते हैं, किसमें हम प्रोटेक्शन यूज करें, किसमें हम ना करें, वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, आप उनको वीडियो लिस्ट में जाकर या फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज फिलहाल हम इस पर बात करेंगे कि पीरियड्स जितने दिन होते हैं, यानी किसी में 3 दिन होते हैं, किसी में 4 दिन होते हैं, उन दिनों के ठीक बाद अगर आप संपर्क करते हैं तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर आप बिना प्रोटेक्शन के करते हैं तो चलिए इसको समझ लेते हैं बोर्ड पर। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम समझेंगे कि ठीक पीरियड के बाद अगर हमारा कॉन्टैक्ट होता है और बिना प्रोटेक्शन के तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं। ये 28 दिन का एक चक्र है, यानी 28 दिन के बाद एक नया पीरियड शुरू हो जाएगा और यहाँ पर पीरियड का हम पहला दिन मान लेते हैं। ये किसी भी दिन से शुरू हो सकता है, महीने का कोई भी दिन हो, उस दिन जो पहला दिन होगा वो आपका जो पीरियड का फर्स्ट डे होगा, जिस दिन ब्लीडिंग होती है वो फर्स्ट डे माना जाता है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये ब्लीडिंग का फर्स्ट डे है तो ये ऑलमोस्ट 5 दिन हम इसको मान के चलते हैं, मोस्टली 5 ही दिन तक होता है, किसी में कम और ज़्यादा हो सकता है। और मान लीजिए ये 5 दिन तक का महावारी के दिन रहे, उसके बाद हमें देखना है कि 28 दिन का अगर ये पीरियड है तो इसमें ओवुलेशन डे ये होगा, यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने के दिन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका कॉन्टैक्ट इन दिनों में रहता है, यानी 6, 7, 8 या 9, तो ये आपके सेफ डे हैं। 6, 7, 8, 9 ये आपके सेफ डे हैं। अगर इन दिनों में बिना प्रोटेक्शन के कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, कंडम भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपका कॉन्टैक्ट होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो माइट बी पॉसिबल, फिर चांसेस हो सकते हैं अगर यहाँ से शुरू करेंगे आप, यहाँ से तो यहाँ तक, बिकॉज स्पर्म की लाइफ भी 3 दिन की होती है। तो मान लीजिए 3 दिन में आपने यहाँ किया तो ये ओवुलेशन हो सकता है यहाँ आ गया 13वें दिन, ये भी अप एंड डाउन होता रहता है, 1 दिन इधर या 1 दिन इधर, तो यहाँ से फिर डेज जो होंगे वो थोड़े रिस्की हो जाएंगे। यहाँ से अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो 3 दिन में स्पर्म यहाँ पहुँच जाएंगे, अगर 11वें दिन आपने किया तो फिर यहाँ पहुँच जाएंगे 3 दिन में। तो 3 दिन का मतलब समझ गए ना आप कि स्पर्म की लाइफ 3 दिन होती है, और ये दिन इधर भी हो सकता है, यानी ये 13वां दिन भी हो सकता है जिस दिन से प्रेगनेंसी के दिन शुरू होते हैं। तो अगर 13वां दिन हो गया तो फिर 10वें दिन में आप अगर आपका कॉन्टैक्ट हुआ तो स्पर्म यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। तो अगर 11वें दिन हुआ तो भी पहुंच जाएंगे, 12वें दिन हुआ तो भी पहुंच जाएंगे। अगर मान लो 14वें दिन को हम मानते हैं तो 11वें दिन अगर होता है तब भी यहाँ पहुंच जाएंगे 3 दिन में, और 12वें दिन होता है तब भी, 13वें दिन भी तब भी। तो इसलिए अगर ठीक पीरियड के बाद की अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो 6, 7, 8, 9, या अगर पीरियड किसी महिला का 3 ही दिन का होता है, 3 दिन के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th ये सेफ दिन है। यानी इसमें अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, कंडम यूज़ नहीं करते हैं, तो इन दिनों में आप मिल सकते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक, बाकी के लास्ट के दिनों में होगी या नहीं होगी उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आई होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि पीरियड के ठीक बाद कौन से दिन सेफ होते हैं और कौन से अनसेफ। तो अगर इससे भी ज़्यादा और कुछ आपको जानना है तो सबसे पहले आप हमारे दूसरे वीडियोस देखिए जो हमने ऑलरेडी बनाए हैं पीरियड से रिलेटेड, जिसमें सेफ और अनसेफ डेज की पूरी जानकारी है। तो उनको देखकर आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जिससे आप आगे के जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।